अब एक दृश्यपट द्वारा समझ लेते हैं श्री लक्ष्मी पूजन की विधि। श्री लक्ष्मी पूजन के लिए इस प्रकार विशेष सिद्धता की जाती है। पूजा के आरंभ में आचमन किया जाता है, उपरांत प्राणायाम एवं देशकाल कथन किया जाता है, तदुपरांत लक्ष्मी पूजन एवं उसके अंतर्गत आने वाले अन्य विधियों के लिए संकल्प किया जाता है। लक्ष्मी पूजनम करिष्ये करिष्ये संकल्प के उपरांत श्री महागणपति पूजन के लिए ताम्र पात्र में रखे नारियल में षोडशोपचार पूजन के लिए महागणपति का आवाहन किया जाता है। तदुपरांत कार्पास वस्त्र, चंदन, पुष्प एवं दुर्वा, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि उपचार अर्पित कर पूजन किया जाता है। श्री गणपति दिशाओं के स्वामी हैं, इसलिए प्रथम से महागणपति पूजन करने से सर्व दिशाएं खुल जाती हैं। परिणाम स्वरूप सर्व देवता तत्वों के तरंगों को बिना किसी अवरोध पूजन विधि के स्थान पर आना सुलभ होता है। श्री महागणपति पूजन के उपरांत करते हैं वरुण तथा अन्य देवताओं का आवाहन और पूजन। श्री महागणपति पूजन के उपरांत कलश, शंख, घंटा, दीप इन पूजा के उपकरणों का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात जल प्रोक्षण कर पूजा सामग्री की शुद्धि की जाती है। इसके पश्चात वरुण देवता की स्थापना के लिए चौके पर अखंड चावल फैलाए जाते हैं। चावल पर कलश रखा जाता है, कलश में जल डाला जाता है, उपरांत कलश में भरे जल में चंदन, आम्र पल्लव, सुपारी एवं सिक्का रखा जाता है। कलश को वस्त्र अर्पित किया जाता है, तदुपरांत कलश पर अखंड चावल से भरा पूर्ण पात्र रखा जाता है। इस पूर्ण पात्र में रखे चावल पर कुमकुम से अष्टदल कमल बनाया होता है। कलश को अक्षत समर्पित कर उसमें वरुण देवता का आवाहन किया जाता है, उपरांत चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत एवं पुष्प अर्पित कर पूजन किया जाता है। पूजन करने के उपरांत चावल से भरे पूर्ण पात्र पर अक्षत अर्पित कर सर्व देवताओं का आवाहन किया जाता है। अष्टदल कमल के कारण उस स्थान पर शक्ति के स्पंदनों का निर्माण होता है। ये शक्ति के स्पंदन सर्व दिशाओं में प्रक्षेपित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण पात्र में बना अष्टदल कमल यंत्र के समान कार्य करता है। अब हम समझ लेते हैं श्री लक्ष्मी तथा कुबेर का आवाहन एवं पूजन। कलश पर रखे पूर्ण पात्र में श्री लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है। उसके निकट द्रव्य निधि रखा जाता है, उपरांत अक्षत अर्पित कर ध्यान मंत्र बोलते हुए मूर्ति में श्री लक्ष्मी तथा द्रव्य निधि पर कुबेर का आवाहन किया जाता है। उपरांत श्री लक्ष्मी की मूर्ति एवं द्रव्य निधि स्वरूप कुबेर को अभिषेक करने हेतु ताम्र पात्र में रखा जाता है।
अब श्री लक्ष्मी एवं कुबेर को आचमनी से जल छोड़कर पाद्य, अर्घ्य, स्नान आदि उपचार अर्पित किए जाते हैं। तत्पश्चात दूध पयस्नानम समर्पयामि, दही श्री लक्ष्मी कुबेराभ्यां नमः, दधिस्नानम समर्पयामि, घी घृतस्नानम समर्पयामि, मधु एवं शर्करा से अर्थात पंचामृत स्नान का उपचार किया जाता है। उपरांत गंधोदक एवं उष्णोदक स्नान का उपचार किया जाता है। पुष्प अर्पित किया जाता है। श्री लक्ष्मी व कुबेर को अभिषेक किया जाता है। लक्ष्मी जातवेदो मावः ताम मावोह जातवेदो लक्ष्मी मनोपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम् गाम। अभिषेक के उपरांत श्री लक्ष्मी एवं कुबेर देवता को स्वच्छ वस्त्र में पहुंचकर पुनः पूर्व स्थान पर रखा जाता है। उपरांत वस्त्र वस्त्रार्थे कार्पास निर्मिते वस्त्रम समर्पयामि, अभ्यान नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंध ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम् ओम तस्मा, हल्दी, कुमकुम, कंकणादि सौभाग्य अलंकार, पुष्पमाला अर्पित की जाती है। उपरांत श्री लक्ष्मी के प्रत्येक अंग का उच्चारण कर अक्षत अर्पित की जाती है। इसे अंग पूजा कहते हैं। ओम धात्र्यै नमः कटिं पूजयामि, ओम तुष्टै नमः ललाटं पूजयामि, ओम इंदिरायै नमः शिरः पूजयामि, ओम सर्वेश्वर्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। तदुपरांत श्री लक्ष्मी की पत्र पूजा की जाती है। इसमें 16 विभिन्न वृक्षों के पत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम पद्मायै नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि, ओम धात्र्यै नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि, ओम भूत्यै नमः दाडिमी पत्रं समर्पयामि, ओम ईश्वर्यै नमः अगस्ति पत्रं समर्पयामि। यहाँ सत्संग के इस भाग की समाप्ति होती है।